कोई आपके शरीर में कोई लोहे की कोई चीज़ चुभ गई हो और भयानक अंदर तक चली गई हो, और इतना ही नहीं, जो जंगल में काम करने वाले लोग हैं, यदि कोई कांटा भी यदि अंदर चला जाता है और बाहर नहीं निकल पा रहा है, यदि कभी कोई कांच का टुकड़ा भी अंदर चले जाए, यदि आप गंध को घिस करके बाहर लेप कर देते हैं, तो अंदर जहरीला जो कांटा है या कोई शीशा या लोहे का टुकड़ा भी क्यों नहीं अंदर गड़ गया हो, वो अपने आप बाहर निकल करके आता है। ये ज़रूरी है सुई आदि के द्वारा थोड़ी सी जगह बना दें, इसका लेप कर दें, तुरंत लाभ हो जाता है। हालांकि आयुर्वेद के अंदर यह विषैली जड़ी बूटियों में इसकी गणना है, इसको हम उपविष के रूप में जानते हैं, यह विषैली है, यह इसमें कोई संशय नहीं है। अभी भी जो देश के अंदर जो अनुपलब्ध या जो बहुत ही जो रेयर मेडिसिनल जो प्लांट हैं या जो संरक्षित प्रजातियां हैं, उसमें इसकी गणना है। तो यदि हम इसका प्रयोग करना चाहें, इसके बहुत सारे गुण हैं जो हम शरीर में ओरल मुंह के द्वारा जो हम लेंगे, परंतु बाह्य प्रयोग के रूप में हम बहुत सारे रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं।